पाकिस्तान नापाक हरकतों के कारण पूरी दुनिया में चर्चित है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है। भारत में घुसपैठ कराना, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये पाकिस्तान की आदत में शुमार है। अब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर बेइंतहा अत्याचार हो रहा है। हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, सिख समाज के गुरुद्वारों पर कब्जा किया जा रहा है, ईसाई समाज के कब्रिस्तानों को बुलडोजर से ढा दिया जाता है। अब पाकिस्तान में गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के बाहरी क्षेत्र को नियंत्रण में लेने का काम किया है। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के बारे में बता दें, यहाँ पे सिखों के गुरु गुरु नानक देव ने अंतिम समय व्यतीत किया था। ऐसा बताया जाता है कि करीब 16 साल तक गुरु नानक देव यहाँ पर रहे, इसलिए सिख समाज उसे पवित्र स्थल के रूप में मानता है और हर वर्ष बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। पाकिस्तान में भी जो सिख समाज के लोग रह रहे हैं वो हमेशा वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। इसलिए पाकिस्तान को ऐसा लगा कि ये जो जमीन है, ये जो जगह है, वो उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और बताया इसलिए जा रहा है कि पाकिस्तान ने उसका उपयोग करने के लिए, यानी अपने व्यक्तिगत संपत्ति निजी संपत्ति में शामिल करने के लिए उसका अधिग्रहण किया है, अपने कब्जे में लिया है। पाकिस्तान ने जिस संस्था को एवेक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट बोर्ड को दिया है, वो प्राइवेट संस्था है, पाकिस्तान के अंतर्गत वो काम करती है। ऐसा बताया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से पाकिस्तान में जो धार्मिक स्थल थे उनके रख रखाव देख रेख की जिम्मेदारी उसी संस्था को थी। मगर उस संस्था ने क्या किया उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। उस संस्था ने धीरे धीरे धार्मिक स्थलों को, यानी हिंदू सिख ईसाई के स्थलों को अपने कब्जे में लेती गई और फिर धीरे धीरे वहां पर मदरसे खड़े कर दिए, ईदगाह खड़े कर दिए गए और मस्जिदें खड़ी कर दी गई। अब करतारपुर साहिब को अपने कब्जे में लिया है तो ये बताया जा रहा है कि वहां पर रेस्टोरेंट, होटल और पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार इससे होने वाली आय को अपने अंतर्गत, यानी अपने लिए प्रयोग करेगी, जबकि इसका पूरा अधिकार गुरुद्वारा कमेटी को है। गुरुद्वारा कमेटी के ही अंतर्गत ये सारे काम होने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा दमनकारी रवैया अपनाता आया है। इसीलिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की जो बाहरी जमीन है उसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि भारत सरकार ने कड़ा विरोध जताया है, नाराजगी जताई है और भारत में भी तमाम सिख समाज के अलग अलग कमेटियों ने भी इस पर नाराजगी जताई है, चेतावनी भी पाकिस्तान को दी है कि अगर अब इस तरह की हरकत पाकिस्तान करता है तो पूरे विश्व में जहां जहां भी सिख समाज के लोग हैं वो कड़ा विरोध जताएंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेंगे। अब देखना है कि भारत सरकार के विरोध के बाद पाकिस्तान कौन सा कदम उठाएगा।